अगर आपसे कोई पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसकी संरचना बनाइए, इसके बारे में लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है इसके बारे में लिखिए, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम पर बनता है तब का सूत्र होता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का या आवर्धन क्षमता का। देखो पहले जो हमारी बात ही होगी सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना की बात होगी, एकदम आराम से समझिएगा। पहले देखिए इसमें एक उत्तल लेंस होता है, आराम से समझो कैसे आप लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, एक ही उत्तल लेंस होता है और इसके द्वारा किसी वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो छोटे वस्तु होते हैं उसका बड़ा करके हम लोग देखते हैं, तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है और इसके पीछे एक मुख्य फोकस होता है। जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु का हमेशा मुख्य फोकस और लेंस के बीच में लगता है। देखो ये वस्तु आपका है, इसको बिंब भी आप कहते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है उसको मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं, उसके मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं। तो इससे दो प्रकार से किरणें निकलती है, इससे दो प्रकार से किरणें निकलती है। एक जो होती है केंद्र से होकर के जाती है, एक इससे होकर जाती है केंद्र से होकर जाती है, और एक जो होता है मुख्य फोकस से होकर के जाती है। जब हम लोग पीछे इसको लेकर के जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, पीछे इसको लेकर के जाते हैं, तो जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब देखो कैसा बना है, वस्तु की तुलना में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बना। तो मैंने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति में आभासी सीधा बड़ा और कहाँ, वस्तु के पीछे बना, ये वस्तु है ना, इसके पीछे आपका प्रतिबिंब बना, बस समझे, इससे पीछे आपका प्रतिबिंब बना है, ध्यान से समझना है। सुनो, इसके दो सूत्र होंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1+d/f। अच्छा कभी आपके मन में ख्याल आता है कि जैसे मुझे पूरा मौजवानी ये बिना किताब देख के बता रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ऐसा है, सीट हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, बस मेरे जैसा आप मेहनत करिए हो जाएगा। चलिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी बने तो इसमें देखो कभी भी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी बनता है तो एक इसमें उपस्थित होता है, तो m बराबर 1+d/f। डी कहाँ है, डी आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसका मान हमेशा 25 होता है, फिक्स है। डी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं जिसका मान फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर होता है, या आपका जो होता है फोकस दूरी होता है। आज जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, देखो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एक नहीं रहेगा, जब अनंत पर बनेगा तो एक नहीं रहेगा, केवल m बराबर d/f रहेगा, m बराबर d/f यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो एक रहेगा, और जब अनंत पर बनेगा तो एक आपका नहीं रहेगा। दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। बोलो ये कहानी खत्म हुई, लिखा जाएगा सब लोग, वस्तु का हमेशा वो लोग मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखते हैं, और इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के पीछे, बने वस्तु के पीछे बनता है, भाषा सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, सारा कहानी हमने लिख दिया। अब आते हैं सेकेंड, सेकेंड के पास चलते हैं। देखो आपसे पूछा जाता है कई बार कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, तो पहले कुछ इसकी क्वालिटी देखिए। पहले ही कहिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा आकार बनाकर या करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वस्तुएं हैं बहुत छोटी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। देखो कितना छोटा ये वस्तु है, कितना बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। अब सुनो, इतना जरूर लिख देना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। ए तुम लोग दोनों बात कर रहे हो, चलिए निकालिए, वो तो भगवान ही जानते हैं क्या आप कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी आत्मा जानती होगी कि क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। चलिए वस्तु आपकी है और ये क्या है, प्रतिबिंब आपकी है तो बड़ा बना है। हाँ, अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, देखिए जब संरचना आप लिखिएगा तो इसमें लिखिएगा कि इसमें दो लेंस होते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक अंखिया की ओर रखता हूँ, अंखिया की ओर सही बात ना, लेंस हॉरिजॉन लेंस वा है, अंखिया की ओर है, और हॉरिजॉन बा जौन तार लंग खातिर बाद है, हैं आँख मार मन का तब हमें देखते हैं, तो जौन हई तार लंग के बाद अब दृश्यक हो गई, कहें कि आपको देख रहा है, हॉरिजॉन है ना लेंस हुआ तो उनका आ जाए नेत्रिका लेंस होता है, डबल लेंस होता है इसमें।
तो एक अभिनेत्र लेंस होता है जो माने जो आँख की ओर लेंस रहेगा, जैसे लेंस है ना जो आँख की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, जो आँख की तरफ रहता है। और इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तभी ना बड़ा दिखाई देगा प्रतिबिंब हुआ। और उत्तल लेंस होता है, और इसके फोकस दूरी को एफी कहते हैं हम लोग। नेत्रिका है ना, आई माने ई, आई माने नेत्र होता है, इसलिए उसका पहला अक्षर ही लिखा गया आई। एफ का मतलब फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी को एफी से प्रदर्शित करता है। अब यहाँ जो बातें आप देख रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस ये छोटा होता है। अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है, छोटा होता है। आई इसके फोकस दूरी को एफओ से, आइए एफओ से, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, इसके फोकस दूरी को एफओ से प्रदर्शित करता है। यानी ये याद रखेंगे कि एफओ छोटा होगा और एफ ई क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ना, छोटा जैसे कोर होता है। अब चलो ये तो सब बता दिए कि दो लेंस होता है। अब जिस वस्तु को देखना होता है, एकदम समझना, जिस वस्तु को देखना होता है, ए बाबू जिस वस्तु को देखना होता है, देखो इधर एफ के पीछे रखते हैं। जैसे एफ वन है ना, ये एफ वन, तो एफ वन कहाँ रखते हैं, पीछे रखते हैं। एकदम आराम से रखिएगा, आपको याद होगा, सब लोग पढ़े होंगे कि जब भी एफ से पीछे रखेंगे तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। देखो तो प्रकाश से किरण रही है, ये प्रकाश से किरण चल रही है और टकराती है तो एफ वन से होकर के जाती है, गुजर गई। और तो सरकार एकदम निश्चित बात, प्रकाशित केंद्र जिसको पीस आपने प्रदर्शित किया है, तो इस प्रकाशित केंद्र से होकर के जहाँ पर दोनों मिलती है वहाँ पर एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब देखो बाबू, इस नेत्र के लिए वस्तु का काम करेगा, ये बहुत छोटा दिखाई देता है। तो जब हम लोग नेत्रिका से इस वस्तु को देखते हैं तो इसे देखते हैं तो इसका इसी का मानी इस वस्तु का नीचे प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और जब बड़ा करके देखना है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तभी आपको बड़ा दिखाई देगा। जैसे मोबाइल में जूम कर देते हैं ना, जूम छोटा चीज़ था, जूम करते बड़ा, उसी तरह से ये भी है, इसको भी जूम कर देता है, ये वाला जो इसको जूम करके इतना बड़ा बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इस वस्तु के तुलना में देखेंगे, इस वस्तु के तुलना में देखेंगे, देखो ई बा ऊपर, ई बा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, माने ऊपर है नीचे है, तो एकदम निश्चित है कि उल्टा बन रहा है। अगर ऐसा बनता है जैसे है तो सीधा कहते, तो एक तो बात क्लियर हो रही है कि उल्टा बन रहा है, और दूसरा का बात एकदम क्लियर हो रही है कि छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो एक तो हो गया कि क्या बना, उल्टा और वास्तविक। सुनो, आभासी एगो चीज़ लिख देगा, काहे लिखल बा, अगर लेंस के इधर बनता तो वास्तविक, आ लेंस जेने बा उधरे बन रहा है तो आभासी कहेंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। तो क्या कहोगे कि आभासी सीधा वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो देखो दो सूत्र होते हैं, एक होता है जब प्रतिबिंब अस्पाद दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अस्पाद दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू और वन प्लस डी बटा एफ ई, एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू वन प्लस डी बटा एफ ई, ये आपकी आवर्धन क्षमता के सूत्र हो गई। यह आपकी आवर्धन क्षमता कहाँ हो गई, सूत्र हो गई। जब अनंत पर बने, किस पर बने, जब अनंत पर बने तो यम बराबर माइनस वी ओ बटा यू गुणे डी बटा एफ ई, जब अनंत पर बने तो यम बराबर माइनस वी ओ बटा यू गुणे डी बटा एफ ई, बस समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक सूत्र बता सकते हैं अनंत पर, और एक होता है कि एक बटा एफ ओ बराबर एक बटा वी ओ और बटा में एक बटा यू ओ, इस तरीके से आपका सेकेंड सूत्र हो गया। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा आकार करने के लिए हम लोग इसी सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबका याद हुआ का, सब लोग बता देंगे, मिटा दे इसको, आप एक हेडिंग बना लो। तो आज जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, देखो ये होता क्या है, पहले खगोलीय का मतलब होता है खगोलीय, खगोलीय का मतलब होता है जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको देखने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का। खगोलीय दूरदर्शी का जो होता है इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। कौन लेंस, नेत्रिका लेंस, ये हमारे आँख के सामने रहता है इसीलिए इसको ये फिर से प्रदर्शित करते, ये होता है छोटा। इसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ये बड़ा होता है, इसके फोकस दूरी कम लोग एफ ओ से, ये बड़ा होता है आपका। तो माने आकाशीय जो पिंड होते हैं जैसे तारे हुए, सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, नक्षत्र हुए, जो भी हुए, उसको दिखने के लिए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। हमारे आँख के सामने जो लेंस होता है छोटा होता है, लेकिन जो दूरबीन वगैरह देखते हैं, जो आगे वाला जिसके सामने कोई वस्तु होती है वो बड़ा होता है आपका। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अवदृश्यक लेंस होता है इसको बड़ा क्यों रखा जाता है, खगोलीय दूरदर्शी में जो अवदृश्यक लेंस होता है
उसको बड़ा क्यों रखा जाता है? तो इसका सिंपल से एक उत्तर होता है कि इसको बड़ा इसलिए रखा जाता है कि इसका अधिक से अधिक प्रकाश जो होता है इस पर पड़े, जिससे प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई दे आपको, जो आकाश में प्रतिबिंब जो वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अवदिशक लेंस होता है इसको बड़ा क्यों रखा जाता है? तो इसके पीछे यही रीजन है कि जब सामने जिसको देखना होता है उसके सामने जब इस लेंस को रखें तो अधिक से अधिक प्रकाश इसके ऊपर पड़े, जिससे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे, इसीलिए अवदिशक लेंस की जो होती है बड़ा रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति देख लो, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। आप एकदम देख रहे हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से बड़ा बना है। वास्तविक लिखना है या आभासी नहीं लिखना, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ वास्तविक कर लेना। अब वास्तविक इसलिए कहोगे, हालांकि इसके तुलना में आभासी रहेगा, सीधा रहेगा इसके तुलना में, लेकिन इसके तुलना में अंतिम प्रतिबिंब जो देखोगे तो ये वास्तविक रहेगा। वास्तविक इसलिए रहेगा क्योंकि लेंस के इधर है, लेकिन अगर इसके तुलना में देखते तो ये आभासी होता, सीधा होता, वस्तु से कहाँ होता, बड़ा होता। चलिए, अब अगर आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछता है, प्रतिबिंब जो है अस्पताल दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो यम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई वन प्लस एफ ई बटा डी, यही सूत्र होता है। यम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई वन प्लस एफ ई बटा डी। एफ ओ का है अवदृश्य की फोकस दूरी है, अवदृश्य की, अवदृश्य का मतलब जो वस्तु के सामने रखा गया है। एफ ओ जो है अवदृश्य की फोकस दूरी है, यफ ही क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी है, यफ ही किसकी है नेत्रिका की फोकस दूरी है, और डी का है आपका डी अस्पताल दृष्टि के न्यूनतम दूरी है, अस्पताल दृष्टि के न्यूनतम दूरी है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, माने यानी हम प्रतिबिंब आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनंत पर बने, तो क्या होगा पूरा हट जाएगा, इधर वाला पूरा हट जाएगा, केवल आपका होगा यम बराबर माइनस एफ ओ बटा या फिर एफ ओ का अवदृश्य की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। तीसरा ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी जब पूछे या लंबाई पूछे तो डी बराबर एफ ओ प्लस या फिर डी बराबर क्या हो जाएगा एफ ओ प्लस या फिर, यह आपका सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। शीतकरण वाला टाइम है बरा।